मेरे जमाने में तो ऐसा होता था, अरे तू अभी नया आया है यार, हमने तो कई साल पहले 20 साल पहले डिस्ट्रिक्ट करके आए हैं। ये जो अनुभव का बोझ है, वो बोझ हम ट्रांसफर करते चले जा रहे हैं जी। हम सोचे, सीनियर लोग सोचे, ये अनुभव बोझ तो नहीं बन रहा है? कहीं हमारा अनुभव नए एक्सपेरिमेंट के लिए ब्रेक का काम तो नहीं कर रहा है? कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं अब यहां सेक्रेटरी बन गया हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में मैं पहले काम करता था, मैंने मेरे समय में इस काम को पूरा करने की कोशिश की थी, नहीं किया, 20 साल बीत गए, अभी ये नया लड़का आया है वो कर रहा है, यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कोई पूछेगा यार तू था, नहीं हुआ, देखे बच्चे ने कर दिया, तो मेरे अनुभव का बोझ ब्रेक बन रहा है और मैं ही रुकावट बन जाता हूं। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो कर दूंगा, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करके आया था और मेरे रहते नहीं हुआ था, अब तू कर करके कमाई नहीं कर सकता इज्जत, मैं ये है, अच्छा लगे बुरा लगे लेकिन ये है। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस खेत को मैंने जोता था मैं वहां से चल निकला, लेकिन मेरे बाद जो आया उसने पानी की प्रबंध किया था, उसके बाद तीसरा आया वो कहीं से पौधा ले आया था, चौथा आया उसने उसको वट वृक्ष बनाया, पांचवा आया मेरे पास फल लेकर के आ गया है, पांचों का मूल्य है तब जाकर के प्रणाम हुआ है। ये भाव के साथ अगर हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो हम शक्ति जोड़ेंगे, और शक्ति को जोड़ना ये हम लोगों का प्रयास हो सकता है क्या? हमें कोशिश करनी चाहिए।